देख रहे हैं जल की धारा की। हर हर गंगे नमामि गंगे। देख काफ़ी कम है आज रेत मिट्टी की जो संख्या कल परसों की तुलना में काफ़ी कम है आज। हाय दोस्तों, हर हर गंगे नमामि गंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार वी ब्लॉग्स में। अभी आप देख रहे हैं गंगा जी की निर्मल धारा के पावन दर्शन कर रहे हैं। आज जल की गति काफ़ी थमी थमी सी आपको दिखाई देगी। सुभाष घाट से लेके पूरे घाटों का दृश्य हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आप अगर हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ये सुबह के 8 बजे का दृश्य देख रहे हैं, श्रद्धालुओं की संख्या कितना है। अभी आप पूरे घाटों का दृश्य देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे आपको इस वीडियो में चारधाम यात्रा हरिद्वार के साथ साथ ऋषिकेश के भी यात्रा की पूरी जानकारी मिलने वाली है। आप सबसे एक प्यारी से रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पूरी जानकारी हरिद्वार से संबंधित मिलता रहे। यहाँ पे होटल, धर्मशाला और साथ में और भी काफ़ी ऐसे जगह है जहाँ पे आप नहीं गए हैं, जो कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपको पता चलने वाला है। इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको हमारे इसी चैनल में मिल जाएगी और हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या सुबह की 8 बजे कितनी ज़्यादा है। जल की धारा काफ़ी कम आज महसूस हो रही है, लेकिन डुबकी लगाने के लिए पर्याप्त है। कहीं पे गहराई कम है तो गहराई कहीं पे ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गंगा जी से सोना चांदी सिक्के भी निकाल रहे हैं। कहीं पे आपको गहराई दिख रही होगी, कमर इतना है, कहीं पे घुटने इतना जल है, तो कहीं पे सीने इतना भी जल यहाँ पे दिखाई देगा। चलते हैं, आपको सारे घाटों का दृश्य दिखाते हैं। स्नान करने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं सामने आपके बाबा जी डुबकी लगा रहे हैं, तो किसी बारे कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप डुबकी लगा सकते हैं। ये सबसे प्रमुख घाट है हरकी पैड़ी, जिसे आप हरकी पैड़ी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे गंगा जी की आरती की पावन दर्शन आप करते हैं। आरती का समय अगर हम कहें तो 6:30 आज का आरती का समय है, तो लगभग आप 1 से 2 घंटे पहले आके यहाँ पे अपने स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। सुबह सुबह है, श्रद्धालुओं की संख्या अभी आ रही है गंगा स्नान करने के लिए, तो घाटों में जो रस है वो थोड़ा कम अभी दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने कहा था अभी ये स्नान करने के लिए आ रहे हैं श्रद्धालु, तो जैसे जैसे 12-1 बजे तक पूरे घाट हाउसफुल हो जाएंगे या फिर उसके बाद घाटों में आपको श्रद्धालु नहीं के बराबर दिखाई देते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग बच्चे हैं जो कि रेत में तिरंगा लगा रहे हैं। हमारी एक वीडियो अभी आने वाली है जिसमें आपको टॉप 10 जगहों की हरिद्वार की जानकारी मिलेगी, जिसमें आपको पूरी पैकेज भी आपको मिलेगा। आप चाहें तो वो भी वीडियो देख सकते हैं और वीडियो देखने के बाद आप प्लानिंग भी कर सकते हैं। चारधाम की यात्रा आप देख रहे हैं काफ़ी तेज, सुबह सुबह ही धूप आज हो चुकी है। जैसे मौसम खुलेगा तो आप चारधाम की यात्रा कर सकते हैं। चारधाम की यात्रा शुरू है, बंद नहीं है, लेकिन रास्ते में जो बाधा आ जाती है जिसके वजह से ही चारधाम यात्रा रुक जा रही थी, बाकी किसी पर अगर कोई दिक्कत नहीं है चारधाम यात्रा आप कर सकते हैं। साथ में अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश की बात कहें तो हरिद्वार ऋषिकेश में किसी बारे कोई दिक्कत नहीं है, जब बारिश भी होती है तो आप यहां की यात्रा कर सकते हैं। बाढ़ का हरिद्वार में किसी बारे को कोई दिक्कत नहीं होती है, न ही दृश्य देखने को मिलता है। जो दृश्य देखने को मिलता है वो नीलधारा में देखने को मिलता है, जो यहां पे जल आ रही है, जो जल आप देख रहे हैं जिसमें श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, ये बहराइच से होके आ रही है, जो कि कंट्रोल जल होती है। आप यहाँ पे पूरी फैमिली आके स्नान कर सकते हैं, किसी बारे को दिक्कत नहीं होगी। देख रहे हैं कुछ श्रद्धालु गहरे जल में जाके स्नान कर रहे हैं, वहाँ पे घुटने इतना जल है और जैसे सीढ़ियाँ नीचे उतरे देख रहे हैं आप यहाँ पे कमर इतना जल है, तो स्नान करने के लिए किसी बारे को दिक्कत नहीं है। जल की धारा थमी थमी सी है, और भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, हमारे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी काफ़ी सारे श्रद्धालु डेली दर्शन करते हैं गंगा जी का। सुबह ही काफ़ी तेज़ धूप निकल चुकी है और
धूप की वजह से कहीं ना कहीं हर की पैड़ी में दिक्कत होती है, क्योंकि अगर 12 बजे 1 बजे आते हैं स्नान करने के लिए तो काफ़ी तेज़ धूप होती है और यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है। और आप सबसे हाथ जोड़ की विनती है, रिक्वेस्ट है, जब भी आप पॉलीथीन आप यूज़ करते हैं जैसे कि बिछाए हुए हैं, तो बिछाने के बाद इसे डस्टबिन में छोड़ें, ऐसे ही गंगा घाटों पे ना छोड़ें। मनसा देवी चंडी देवी की जो रोपवे की सेवा है खुला हुआ है, मनसा देवी चंडी देवी की पैदल मार्ग भी खुला हुआ है, किसी पैर को दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे भी जाके दर्शन कर सकते हैं। साथ में कंकल की भी आप यात्रा कर सकते हैं। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना था कंकल जाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, अभी आप जा सकते हैं, किसी पैर को दिक्कत नहीं है। वहाँ ऑटो के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आपको पर्सनल बुकिंग करके जाना पड़ेगा। आप जितने लोग होंगे उतने ही कम आपको वहाँ की प्राइस पड़ने वाली है। कंकल के लिए आपको जैसे बाहर निकलेंगे यहाँ से हर की पैड़ी से, तो आपको विक्रम टेम्पो और साथ में ई रिक्शे मिल जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कुछ श्रद्धालु काफ़ी यूनिक तरीके से स्नान करते हैं, कहीं ना कहीं चोट लगने की काफ़ी ज़्यादा संभावना बनी होती है, ऐसे में आप संभल के स्नान करें बिना किसी परेशानी के। देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग जंजीर नहीं पकड़े होते हैं, बहुत सारे लोग जंजीर पकड़े होते हैं। खैर आज की तो धारा कम है, तो आज की जो धारा है उसमें किसी पैर को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिसे तैरना भी नहीं आता वो भी आज क्रॉस कर ले रहा है। काफ़ी कम जल है आज, लेकिन डुबकी लगाने के लिए पर्याप्त है। हर की पैड़ी के पास और साथ में शांति कुंज, साथ में ऐसे बहुत सारे जो वीडियो है हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। होटल धर्मशाला के, रेलवे स्टेशन के पास, अपर रोड मार्केट में, मोती बाजार में, लगभग सारे जगह जहाँ पे आप सब स्टे कर सकते हैं हमने वीडियो बना रखी है। अब जाके जरूर देखें और बुकिंग करके आए। ऐसे अभी जो सीजन है वो ऑफ सीजन चल रहा है, तो अभी आएंगे तो आपको ऐसे ही रूम मिल जाएगा, बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब भीड़ ज़्यादा होती है तब आप आना चाह रहे हैं हरिद्वार हमारी वीडियो के माध्यम से देख के, तो आप वहाँ पर पहले बुकिंग कर लें फिर आएँ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है रूम के, जब भीड़ ज़्यादा हो तो। अभी भीड़ नहीं के बराबर है, बहुत कम भीड़ है अभी। सुबह सुबह गंगा घाटों में आना काफ़ी अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, घाट लगभग खाली रहता है और आराम से आप डुबकी लगा के जा सकते हैं। और जैसे ही 9-8 का टाइम होता है तो फिर भीड़ बढ़ने लगती है श्रद्धालुओं की। ये आप देख रहे हैं बहराइच से जो जल आ रहा है वो कितनी तेज़ गति से आ रही है। इस तरह का जो दृश्य है वो आप देख रहे हैं, ये है मालवी घाट, और मालवी घाट में सबसे ज़्यादा चेंजिंग रूम मिलेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे बाकी घाटों की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या भी ज़्यादा होती है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर गंगे, नमामि गंगे।